सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सर अभिषेक, बिना किसी देर करते वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे साथ में खड़ी है भाई MT 15 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है। 1x1 करके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे, कंप्लीट आपको डिटेल रिव्यू दूंगा और मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा आज आपको जिससे आपको 2024 के अंदर MT 15 बाय करनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज देखो, सबसे पहले मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ इसकी। 2,02,000 है इन जयपुर, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा प्राइस, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा 1,000 से 2,000 का, बाकी कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी गाइज बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। तो कलर ऑप्शन देखो गाइज, IC फ्लूड है, ठीक है, ब्लैक कलर है, बेस मॉडल है, इसमें इंडिकेटर्स LED नहीं आते हैं। ये टॉप मॉडल है, इसमें इंडिकेटर्स LED आते हैं और ब्रिक वाले अलॉय आते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी पैनल्स लग रहे हैं ना गाइज, इन सब में आपको कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। MT 15 में कलर ऑप्शन भर भर के हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि कलर ऑप्शन के हिसाब से फिर ले सकते हो आप अपनी गाड़ी। एंड अभी बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की, 2,02,000, ठीक है। अब बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ें जिससे आपको 2024 के अंदर ये बाय करनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज सबसे पहली जो रीज़न है जिससे आपको 2024 के अंदर MT 15 बाय करनी चाहिए, वो है इसका माइलेज। सो गाइज इसमें ना आपको 50 to 60 KMPL तक का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप रश ड्राइविंग भी करोगे ना, तो आपको अप्रॉक्स 50-55 KMPL तक का माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो है इंजन बता देता हूँ मैं कितना आता है। 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, ठीक है, विद 6-speed गियर बॉक्स, 1 down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम आते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी यार, ये 155 cc का इंजन ना 200 cc तक की बाइक्स को भी बीट कर देता है इजीली। एंड पावर और परफॉर्मेंस दोनों में काफ़ी अच्छा आपको जो है इसका इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो माइलेज के मामले में ना आपको गाड़ी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, और पावर रिफाइनमेंट जो है गाड़ी में वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल जो गाड़ी है ना माइलेज के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी है। आप रेस ड्राइविंग करोगे जैसा कि मैंने बताया, तब भी आपको 50-55 KMPL तक माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा। उससे अगर आप ज़्यादा चलाते हो थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर आप अपने हिसाब से माइलेज जो है लगा सकते हैं यार, कि आप कितना देंगे आपके चलाने के हिसाब से, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है माइलेज, ठीक है। सेकेंड चीज़ की बात करते हैं जिससे आपको 2024 के अंदर ये बाइक करनी चाहिए, वो है गाइज इस बाइक का नेकेड, ठीक है, होना। क्योंकि गाइज़ देखो, नेकेड बाइक है, आपको बिल्कुल सिटिंग पोजीशन आपका जो अपराइट रहेगा, कंफर्टेबल रहोगे आप चलाते समय, काफ़ी जो है आपको बिल्कुल भी नेक पेन या बैक पेन या कहीं पे भी पेन नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल जो गाड़ी का पोस्चर है ना बैठने का, वो एकदम सीधा है, ठीक है। आप बैठोगे तो एकदम अपराइट पोजीशन में बैठोगे, बिल्कुल भी आपको एग्रेसिव पोजीशन में नहीं जाना पड़ेगा, लीन होकर चलाना नहीं पड़ेगा, जैसे आपको R15 में चलाना पड़ता है, ठीक है, वैसे आपको नहीं चलाना पड़ेगा। आप जब MT 15 को चलाओगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड देगी है, और साथ के साथ आपको भाई कहीं पर भी सोचना नहीं पड़ेगा कि गाड़ी को यार, मतलब कि किसी को भी पीछे बैठाने से पहले, क्योंकि उसकी जो हाइट है R15 की वो थोड़ी ऊपर आती है और इसकी हाइट जो है काफ़ी नीचे आती है, तो आप सिस्टर मदर किसी को भी गर्लफ्रेंड वगैरह को आराम से इजीली बैठा के घुमा सकते हो, ठीक है। अभी दो चीज़ों की मैंने बात कर ली, पहला माइलेज, सेकंड है कंफर्टेबल होना गाड़ी का, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं यार गाइज़ अपन, ठीक है, तीसरी चीज़ की, वो है इसके अंदर गाइस पावर। सो गाइस आपको जैसा कि मैंने बताया 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है, विद 6-speed गियर बॉक्स, 1 down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो गाड़ी है ना बहुत ही शानदार आपको जो है पंप आउट करके देती है पावर। VVA एक्टिवेट होने के बाद में तो गाड़ी एकदम पावर, और मतलब जिसे कहते हैं ना कम्प्लीटली जो है गाड़ी की साउंड बदल जाता है जैसे ही VVA एक्टिवेट होता है। जैसा कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि VVA जो है इसका 7000 RPM पर एक्टिवेट हो जाता है, ये देखिए VVA, ठीक है, जैसे VVA एक्टिवेट होगा ना, और आप अपने हिसाब से VVA का सब कुछ सेट कर सकते हो कि आपको कितने 1000 RPM पे VVA एक्टिवेट करवाना है और किस हिसाब से आपको जो है इसका देखना है सब चीज़ें, वो आप कंप्लीटली मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पे मीटर के अंदर। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ अभी। और तीसरी चीज़ की जैसा कि मैंने आपको बात बताई कि पावर के मामले में गाड़ी बहुत ही अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल जो है ना गाइज, मतलब कि पावर के अंदर 155 cc की गाड़ी है, बट आपको आप ना इसके अंदर 200 cc तक की भी बाइक लेके आ जाओगे ना तो भी बीट नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि बहुत ही पावर में जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है MT 15 ओवरऑल। फोर्थ चीज़ की बात करते हैं जिससे आपको 2024 के अंदर ये बाइक करनी चाहिए, वो है इसके लुक्स। सो गाइस ओवरऑल आप गाड़ी के लुक्स देखो यार, गाड़ी कितनी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। कलर ऑप्शंस भी जो है आपको भर भर के देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्लैक कलर है, फिर यहाँ पे एक और आपको जो है कलर देखने के लिए मिल जाता है, अलॉय व्हील्स के कलर्स आप डिफरेंट ले सकते हो। एक नया कलर और आया है यहाँ पे, ये देखिए एक नया कलर और आया है, और वहाँ पे जो है एक MT 15 और खड़ी है। कलर्स में तो बहुत ही अच्छे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, और लुक्स के मामले में भी गाड़ी कहाँ भाई, मतलब दिक्कत आ रही है यार। आप ओवरऑल गाड़ी का लुक्स देखो, कितनी शानदार आपको गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। एंड कंप्लीट जो है इसके अंदर आप एक बार देखो यार गाड़ी को भाई, कितनी शानदार लगती है गाड़ी देखने में। और इसका ब्लैक कलर जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है यार, वो बहुत ही शानदार कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए ब्लैक कलर कितनी अच्छी लग रही है ब्लैक कलर में, और काफ़ी अच्छा कलर ये भी है वैसे तो, बट लुक्स के मामले में भी गाड़ी ओवरऑल 10/10 है।
10x10 तो नहीं कहूँगा, बट 10x9 तो आप बोल ही सकते हो गाड़ी को लुक्स के मामले में। कम्प्लीटली आगे से जो है एकदम ट्रांसफॉर्मर टाइप इसका लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा DRLs के साथ में। अभी इसमें बैटरी लो है इसलिए मैं बार बार इसकी कीज़ ओन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कीज़ ऑफ ही रहने दे रहा हूँ। एंड अभी बात करते हैं गाइज लास्ट एंड फाइनल रीज़न की जिससे आपको 2024 के अंदर MT15 बाय करनी चाहिए, तो वो है गाइज इसकी सेल्स एंड सर्विस। सो गाड़ी की जो यामा है, आपको पता है यार कि यामा का कितना नाम है, आपको हर जगह इसके जो है शोरूम्स वगैरह अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएंगे, सर्विस सेंटर वगैरह। तो आप कहीं पर भी अगर लॉन्ग राइड वगैरह पर भी जाते हो तो आपको कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि यार मतलब कि गाड़ी कहीं अटक गई या कुछ हो गया तो क्या दिक्कत होगी, तो वो सब आपको जो है यामा सामान लेगा कम्प्लीटली। सर्विस सेंटर्स वगैरह काफ़ी हैं, अभी तो आपको पता ही है यामा की कितनी पॉपुलरिटी हो चुकी है MT15 और R15 के बाद में। सो ओवरऑल जो है सेल्स एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको गाड़ी बिल्कुल भी अगर कुछ टूट फूट हुई या कुछ माइनर एक्सीडेंट हुआ, भगवान नहीं करे कुछ भी माइनर या मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो आपकी गाड़ी जो है कुछ ही टाइम्स में बन के आ जाएगी, आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट मोड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको आफ्टर मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ओवरऑल जो है कुछ ऐसी आपको गाड़ी देखने के लिए मिलती है कम्प्लीटली। एग्जॉस्ट नोट में आपका सुना था यार, बट इसके अंदर ना बैटरी लो है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको नोट सुनाऊंगा, ये देखिए। और एक चेंज मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या करा है, तो ये देखो गाइज इसमें ना अब स्विच में ही कंप्लीट स्टार्ट स्टॉप ऑन सब कुछ दे दिया गया है, पहले जो है अलग से आता था बट अभी ये थोड़ा इधर कर दिया है। वैसे तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है बट ठीक है फिर भी, क्योंकि BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें जो है बजाज को अपने तरफ से नहीं उनके गवर्नमेंट की तरफ से चेंज करनी पड़ गई है। सो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे। अगर आपको इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू देखना तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है। और आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई, मैं कंप्लीट आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।